हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पूरे घर की मॉर्निंग में ही अच्छे से सफाई करके नहा धो के मैं आ गई थी रसोई में खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं, खीर भी मेरी बन गई है, नारियल और बादाम मैंने पहले ही डाल दिया था और लास्ट में मैं डालती हूँ किशमिश धो के अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए, मेरी खीर भी बन गई है, पिट्ठी रेडी कर ली है और आलू टमाटर की सब्जी बनाई है जो कि देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। और साथ में मैंने बनाया है बूंदी का रायता। तो बस मेरी सारी चीज़ें रेडी हैं और अब बस मैं पितरों की जो रोटियां निकलती हैं वो निकालूंगी और कचौरी बनाऊंगी, क्योंकि आज है मेरे दादा श्री का श्राद्ध, तो आज लास्ट है। और कहते हैं कि जो भी भूले बिसरे, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। वैसे हमने बहुत अच्छे से, मैं निकालती हूँ हमेशा जैसा हमारे घर में निकलता है बताया गया है। तो यहाँ पे मैंने पितरों की रोटी भी निकाली थी और चार कचौरी मैंने निकाली हैं अपने जो हमारे दादाश्री थे उनकी, क्योंकि उनको कचौरी खाने में बहुत ज़्यादा पसंद थी। और थोड़ी सी खीर और थोड़ी सी सब्जी हम ऊपर ही रखते हैं, क्योंकि जैसा हमें बताया गया हम वैसे ही करते हैं, क्योंकि फिर गाय नहीं खाती है इसलिए बहुत थोड़ा थोड़ा सा ही रखते हैं। तो ये हमारे में निकलती हैं 8 रोटी और 8 कागज़, इस तरीके से उस पर जो हम बनाते हैं वो थोड़ा थोड़ा रखते हैं। और ये देखिए, मेरे बेटे से मैं मतलब पानी फिरवा रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि लेडीज़ पानी नहीं फेरती हैं। तो मैं अपने बेटे को बता रही थी, बहुत अच्छे से वो कर लेता है। तो मम्मी भी कह रही थी कि ये परपोता है तो इसी के हाथ से ही फिरवाए कर हमेशा। तो बस मैंने इस हमारे छोटे के हाथ से ही मैं फिरवा रही हूँ। और यहाँ पे मैं ये पंडित जी के कपड़े लाई थी, जब से मेरा बेटा हुआ है तब से मैं हर साल इसी के हाथ से निकलवाती हूँ। तो इस पे भी मैंने पानी फिरवा दिया है और यहाँ पे साथ में दक्षिणा भी रख दी है, तो ये मैं पंडित जी को दे दूँगी बाद में। और बस यहाँ पे फिर मैं बोल रही थी कि हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि हमसे कोई गलती हो गई तो क्षमा करना, और बहुत सच्चे मन से हमने निकाला है इसे ग्रहण करना, और बस ऐसे ही अपना आशीर्वाद हमेशा हम पे बनाए रखना ताकि हम हर साल बहुत अच्छे से आपका ऐसे ही हम श्राद्ध निकालते रहें। तो यहाँ पे बस बेटे ने जैसे जैसे हम बोला वैसे बोल दिया और अब उसको बस उसने माथा टेक लिया था, अब उसको लग रही है जल्दी से ऊपर जाने की, क्योंकि मैंने उसको बोला था ये जो छोटी छोटी रोटियाँ हैं ये कौवे के लिए हम रखते हैं तो ये कौवे ले जाएंगे। तो बस उसको लग रहा था जल्दी से हम ऊपर जाएं। तो फिर बेटी ने बोला भी मम्मा पूजा कर रही है, मम्मा के साथ जाना। तो फिर से वापस बैठ गया था और जैसे मेरी पूजा ख़त्म हुई मुझसे पहले जल का लोटा लेके चलने लगा, और इस रूम में इसकी चप्पल रखी हुई थी दूसरी, तो बस वो वही पहनने गया था। मैं उसको बोल रही थी बेटा जल्दी कर ले, मुझे सबके लिए खाना भी बनाना है, देर होती जा रही है। तो बस यहाँ पे लगी हुई थी कुंडी, तो मैं यहाँ पे पहले मैंने बोला मैं रुक जा, मैं कुंडी खोलूँगी, तेरे से नहीं खुलेगी, क्योंकि काफ़ी टाइट है और अभी पेंट भी हुआ है तो उसकी वजह से और ज़्यादा टाइट हो रखी है। और यहाँ पे काफ़ी देखिए कितने हरे भरे पौधे हो गए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। और आज थोड़ी सी बारिश बस सुबह ही आई थी, उसके बाद फिर बारिश नहीं आई, तो लेकिन मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा है। तो मैं यहाँ पे बेटे को बोल रही थी बेटे चप्पल एक साइड में निकालो, और यहाँ पे कुर्सी और बेंच जो बीच में थे उन्हें मैंने साइड कर दिया था। फिर मैं उसको बोल रही थी सूरज देवता की तरफ देखते हुए जल दे दो, गमले में देना ताकि वो पैरों में ना आए, तो उसने गमले में ही दिया। और यहाँ पे फिर उसने ऐसे हाथ जोड़े, माथा टेका और सूर्य देवता से भी आशीर्वाद लिया, मैंने उनको उसको जैसे जैसे बोला। तो बस सूर्य देवता, हे पितर महाराज, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखना। तो यहाँ पे मैंने टेबल सरका दी थी और मैंने बेटे को बोला, मैंने कहा बेटा इन्हीं कागज़ों पे ये रोटियाँ रख देना। तो ये जो हमारे यहाँ की परंपरा है ना, बस मुझे ये नहीं पसंद आती कि पूरा खाना एक लेडीज़ बनाती है और मेहनत करके, लेकिन बस वो पानी नहीं फेर सकती। क्या मतलब रीति रिवाज है, पानी फेरने में मतलब कुछ हो जाएगा, जबकि खाना वो ही बनाती है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि कहते हैं हमारे में कि औरतों को शमशान नहीं जाना चाहिए, जबकि मरने के बाद औरत को वहीं ले जाके जलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मेरा बेटा बहुत अच्छे से सारी रोटियाँ रखते जा रहा है और बोल रहा था मुझसे मतलब यहाँ पे कि कौवे कब आएंगे। मैंने कहा आ जाएंगे, आप हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि बस इसी तरीके से अपना आशीर्वाद बनाए रखना और ऐसे ही हम आपका अच्छे से निकालते रहें, और हे पितर महाराज बस ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखना। तो यहाँ पे बस देखिए आँख बंद करके वही वही बोल रहा है जो मैं बोल रही थी उससे। और बस अब हम नीचे जाने वाले थे तो मैंने सोचा आप लोगों को ये पौधे दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये है पूरा मछली, जहाँ भी मतलब ये पानी देखता है ना, तो अब देखिए इसने नल चला दिया है, मैं इसको मना कर रही थी बार बार, मैंने बंद करा इधर से फिर आके चला दिया है।
तो बस इसको ना मौका चाहिए पानी में भीगने के लिए, इसी वजह से ये जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोबारा से फिर से बैंगन आ गए हैं, एक बार तो हमने तोड़ लिए थे, तो ये देखिए फिर से लग गए हैं। और ये सारे जितने भी पौधे हैं इसके दादा ने लगाए हैं, तो हमें ये नहीं समझ आया इतने सारे बैंगन के पौधे लगा के, हम इतने सारे बैंगन तो खाते ही नहीं हैं बहुत कभी कभी। अब जो मैंने बैंगन का भरता बनाया था वो कम से कम भी 5-6 महीने में एक बार बनाया था। सारे में देखिए बैंगन ही बैंगन है ज़्यादातर, और सब में छोटे छोटे लगे हैं, सुंदर लगते हैं वैसे सब्जियां ना इस तरह लगी हुई बड़ी प्यारी सी लगती है। और इधर फिर नीचे आके मैं बनाने लगी थी कचौरी, तो यहाँ पे अब मैं बस सबको खाना दे दूँगी, फिर मैं भी बस जल्दी से खा लूँगी क्योंकि मुझे भी अब लग रही है बहुत तेज़ भूख। और पनीर वगैरह से सच बताऊँ ना मुझे सिंपल खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये मेरा फेवरेट खाना है। अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आपको खाने में क्या पसंद है तो मैं यही बताऊँगी, आलू की कचौरी, आलू की टमाटर की सब्जी और रायता। जब भी मैं अपने घर जाती थी अपनी मम्मी से पहले बोल के यही बनवाती थी। और ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग की वीडियो, तो हमारे पितर महाराज तो हमने बहुत अच्छे से विदा कर दिए हैं। और ये है नेक्स्ट डे यानी कि नवरात्रे वाले दिन की वीडियो, तो आप सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, माता रानी का आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बना रहे। तो ये देखिए मिट्टी का जो कारा सा होता है वो मुझे मिल गया था, मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी। और ये छोटा सा दिया भी लाई हूँ मैं सांझी माता के लिए, और ये इन दोनों को मैं अच्छे से धो के मैं उल्टा करके रख दूंगी यहाँ पे ताकि निचड़ जाए ये अच्छे से। और इसके बाद फिर मैं कड़सी इसमें रखूँगी, तो मैं इसी चीज़ के लिए लाई हूँ जैसे धूनी देनी होती है। और अब 9 दिन जो है इसी में मैं जो सामग्री होती है हवन करने के लिए वो इसी में डालूंगी, और पकड़ने के लिए भी बहुत अच्छा है तो गर्म भी नहीं होगा। तो मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो मैं ढूंढ रही थी मुझे मिल गया। यहाँ पे देखिए मेरी कड़सी जो है वो हो चुकी है और मैंने इसमें रख दी है, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो देखिए कितनी आसानी से अब हम इसे उठा के पूरे घर में भी धुनी दे सकते हैं, जैसे हम लुभान और गूगल की धुनी देते हैं शाम वगैरह को। और नवरात्रे आ गए हैं तो दिल में एक खुशी सी हो जाती है, 9 दिन इतने अच्छे से जाते हैं। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी मैंने घर का काम करा बेटे के जाने के बाद, और मशीन भी लगा दी थी सुबह ही क्योंकि कल मावस के बाद फिर कपड़े नहीं धुले थे, सब मना करते हैं, इस वजह से मैंने नहीं धोए थे। जबकि मेरे को बेटे का बैग भी धोना था फिर भी मैंने नहीं धोए, मैंने कहा बीच में किसी दिन धो दूंगी। और यहाँ पे बस फिर जल्दी से मैंने चौकी सजाई और अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा। और जितना भी मैं नवरात्रि का सामान लेके आई थी वो भी आप लोगों को नहीं दिखा पाई क्योंकि देखिए मैं ही सारा सामान लेके आई और सामान लेने में फिर थोड़ा सा टाइम लगता है, और आके फिर मैं खाना वाना बनाया कल शाम को, तो इस वजह से फिर मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने भी व्रत रखा है, उसकी ऑनलाइन क्लास चल रही थी, मैंने उसको बोला पहले नहा ले, नहा के पूजा करवा ले मेरे साथ, उसके बाद फिर क्लास लेते रहना। तो बस फिर यहाँ पे जल्दी से वो नहा के आ गई थी, तो ब्रेक जैसे थोड़ी देर के लिए मिलता है तो वो मिला, तो उसमें वो फटाफट से नहा के पूजा करवा रही है। मैंने उसको व्रत रखने के लिए मना किया था, मैंने कहा आगे रख लिया पेपर आ रहे हैं, पर वो नहीं मानी। मैंने कहा चल भाई सच्चे मन से पूजा भी कर ले बच्चा, तो वो भी काफ़ी लग जाता है, बस माता रानी तो खुश हो जाती हैं, सच्चे मन से होनी चाहिए पूजा। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेटी को बोला इतने तो देवी माता को तिलक लगा, तो बस वो टीका ही लगा रही है, तो यहाँ पे उसने सांझी माता को और माता रानी को टीका लगा दिया है। तो मैंने दोनों माता जो हैं चौकी पे सजा दी हैं और सच में बहुत ज़्यादा मन लगता है। और यहाँ पे देखिए मैंने कड़सी में थोड़ी सी सामग्री भी डाल दी थी, तो ये एक तरह से हमारा जो है डेली का हवन हो जाता है। तो हम कुछ भी मंत्र, गायत्री मंत्र या कुछ भी हो मतलब हम वो उसमें बोल लेते हैं, और लौंग का जोड़ा इलायची वगैरह चढ़ा देते हैं। और मेरा बेटा नहीं है वो होता है, तो देखिए वो अपने आप चढ़ाता है, तो उसके नाम का लौंग का जोड़ा भी मैं ही चढ़ाऊंगी क्योंकि वो तो आज स्कूल गया हुआ है, हर बार वो होता है तो वो खुद ही चढ़ाता है और उसका बहुत ज़्यादा मन लगता है। और मुझसे कह के गया था मम्मा जब मैं आ जाऊँ तब चौकी सजाना, तब माता रानी की मूर्ति सजाना। फिर मैंने उसको बोला बेटा मेरा व्रत है तो मुझे तो पहले ही सजानी पड़ेगी। हाँ जो सांझी माता है उनको मैंने रात को ही रख दिया था, जैसे मावस होने के बाद रात को ही सांझी माता को चौकी पे रख देते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे देखते हैं वैसे वैसे वो करते हैं, मैं भी अपनी मदर को देख के सीखी थी पूजा पाठ करना, और यहाँ पे अब जैसे मेरी बेटी मेरे को देख रही है तो ये भी सीख जाएगी। तो यहाँ पे जब मैं ससुराल में आई थी इतने साल हो गए हैं, तो यहाँ पे कोई भी पूजा पाठ वगैरह नहीं करता है, लेकिन भाई मैं करती हूँ, मेरा मन नहीं मानता है। तो यहाँ पे बस मेरी जोत भी जल गई है और कड़सी भी मतलब हो गई है, तो बस ये मैं पूरे घर में जो है इसकी धुनी दे दूँगी थोड़ी देर में। तो सबसे पहले मैं सप्तशती का पाठ पढ़ रही हूँ यहाँ पे, जो कि मैं डेली करती हूँ, और ये किताब जो है मैं 9 दिन में पूरी ख़त्म करती हूँ।
तो इस तरीके से मैं डेली डेली एक एक दो दो अध्याय जरूर करती हूँ, एक एक दो दो स्तोत्र भी। तो पूरे घर में इतनी अच्छी सी महक हो गई है ना, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है इस टाइम। और सांझी माता की होती है हमारे यहाँ पे शाम को पूजा, और यहाँ पे सरसों के तेल का दिया जलाया जाता है, तो मैं उस शाम को करूँगी, तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। और पूजा करने के बाद चाय वगैरह पी, फिर मैं बेटे को लेने चली गई, उसके कपड़े चेंज करे, और अब मैं यहाँ पे छान रही हूँ घी। और एक तरफ मैंने आलू रख दिए थे भूनने के लिए, तो इन्हें मैं उबाल तो मैंने पहले लिया था और छील के रख लिया था, तो बस अभी इन्हें भून रही हूँ क्योंकि बेटी को भी भूख लग रही है और बेटी की भी अभी मुझे रोटी सेकनी है। तो यहाँ पे देखिए बेटा आ गया और मुझसे पूछ रहा है मम्मा क्या कर रहे हो, मैंने कहा घी छान रही हूँ और इधर आलू बना रही हूँ, बस अभी आपकी रोटी भी सेकूँगी। तो बस इसी तरीके से ये जो है मेरा काम चलता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, छोटी सी वीडियो थी, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। जय माता दी दोस्तों।